हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगारी युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाले दावों की पोल एक RTI में सामने आई। सरकार का दावा है कि 4 साल में करीब 28,000 सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई गई। प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में जब RTI लगाई गई, तो सरकार ने अब तक रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितनी नौकरी प्रदान की है, तो ये बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भर्ती हो चुकी है, 28,000 नौजवानों को हमने 4 साल में भर्ती करा दी। उसके अलावा जो संस्थाएं अलग है, MD University, PGI और प्राइवेट जो हॉस्पिटल जो सरकारी एडिड है, उनमें करके अगर हमने 40,000 नौकरी, और अभी 18,000 की हमने डी ग्रुप की नौकरी निकाल दी है, 7,000 हमने पुलिस की नौकरी निकाल दी है, लगभग 1,00,000 नौकरी का हमारा टारगेट है, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा। चौटाला की सरकार में सिर्फ 10,000 की भर्ती है, 10 साल में भूपिंदर में 17,000 भर्ती है, और वो भी जिस तरह पर्ची लेना पैसे से, भ्रष्टाचार से, आज मेरिट से हो रहा है, ये हरियाणा की सरकार की उपलब्धियां हैं। आरटीआई के आंकड़े 647 नौकरियां, आरटीआई का आंकड़ा कहाँ से मिला मुझे? आपके मेरे पास सारा आंकड़ा है, आंकड़ा आपसे कहा था, मेरी भर्तियां, भर्ती का प्रूफ आपको दे सकता हूँ। अभी तक कितनी वैकेंसी है? मैंने कहा अभी 26,000 में ज्वाइन करा चुके हैं, जो अभी बाकी संस्थाओं का जोड़े तो 40,000 है, और इसके अलावा 18,000 की पोस्ट हम निकाल चुके हैं डी ग्रुप की, और इसके साथ साथ 7,000 पुलिस की भर्ती, और आने वाले समय 1,00,000 की भर्ती करेंगे। 15 जो जिलों का आंकड़ा आया सामने, 15 जिलों के अंदर 15,00,000 बेरोजगार लोगों ने जो है, युवाओं ने डाल रखा है रोजगार का, सिर्फ 647 को मिला गया था। अब मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लेकर आया, मैंने कहा ये प्रूफ है, आपको डाटा सही दे दे, कहाँ कौन किस विभाग में भर्ती हुई है। अप्रैल 2018 में सूचना अधिकार मंच के तहत एक RTI डाली थी, और इसमें ये पूछा था कि जो हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों में रोजगार कार्यालय हैं, और कितने बेरोजगार युवाओं के, पढ़े लिखे युवा हैं, उनके नाम दर्ज हैं। तो अलग अलग जिलों ने जानकारी भेजी, उसमें अभी तक मेरे पास 15 जिलों की जानकारी आ पाई है, 7 जिले अभी बाकी हैं। 15 जिलों में 15,00,000 से अधिक बेरोजगार युवा पढ़े लिखे हैं, उनके नाम दर्ज हैं। और इसमें मेरा एक सवाल ये भी था कि कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, तो इसमें अभी तक जो जानकारी आई है उसमें ये निकला कि 647 युवाओं को रोजगार मिला है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे और कुछ को निजी क्षेत्र में। तो यदि 22 के 22 जिलों की जानकारी मेरे पास आ जाती तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता, हो सकता है 18,00,000 के करीब ये हो जाता। हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि हमारी सरकार ने 4 साल में 28,000 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से व विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थानों में मिला जुलाकर कुल 40,000 के करीब नौकरी दी है। मुझे नहीं मालूम कि आपके पास क्या आंकड़े हैं, मैं आपको इनके सबूत दे सकता हूँ। हमारा लक्ष्य 1,00,000 युवाओं को नौकरी देना है। रोहतक से संवाददाता की रिपोर्ट। समय समय पर खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस TV।